तो दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है यूपीपीएससी की तरफ से, आइए देखते हैं क्या वो। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिलेबस, एज और क्या पेमेंट है, क्या कब से फॉर्म भरा जा रहा है, सब कुछ डिटेल वाइज देखेंगे। तो यूपीपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर का फॉर्म है और ये 14 अगस्त को आया हुआ है आज ही के डेट में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड। यस, इसकी लास्ट डेट है 14/9/2023, 14/8 को आया यानी कि अगस्त में, और इसका जो फॉर्म का लास्ट डेट है 14 सितंबर है, ठीक। और आपका एग्ज़ाम डेट वही बाद में शेड्यूल्ड होगा। बात की जाए फीस की तो जनरल ओबीसी ओईडब्ल्यूएस की 125, एससी एसटी की 65 रुपया। अगर बात की जाए एज की तो 1/7/2023 से काउंट होगा और आपकी एज जो है मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम कितनी साल होनी चाहिए, 40 साल। और बात की जाए पोस्ट की तो टोटल 24 पोस्टें हैं और एलिजिबिलिटी यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, क्या होनी चाहिए अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं, तो बैचलर डिग्री और पीजी डिप्लोमा इन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानर्स एंड अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर, मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर लंदन और इंस्टीट्यूट टाउन प्लानर इंडिया और इट्स इक्विवेलेंट, क्लियर। टोटल 24 पोस्टों के लिए ये है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं हम लोग लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, तो ये जो फॉर्म है वो चिकित्सा मतलब आयुर्वेदिक वाला है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा आयुर्वेदिक विभाग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो जो इम्पोर्टेंट होगा वही बताएंगे, फालतू का आपका नहीं टाइम बर्बाद करेंगे, ठीक है। अच्छा ओटीआर अगर करेंगे तो ओटीआर करना होगा आपको, ठीक। ओटीआर आपका इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम चालू रहेगा। आगे बढ़ते हम लोग, ठीक। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वही बताऊँगा मैं। देखिए ऑनलाइन आवेदन से पूर्व आपका ओटीआर अनिवार्य है, ठीक। और प्रथम चरण में अप्लाई क्लिक करने पे ओटीआर प्रदर्शित हो जाएगा, बस उसके बाद यस और नो जहाँ जहाँ आप करना है टिक करके आगे बढ़ते चले जाइए, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हम लोग, क्लियर। ये फीस से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। आवेदन शुल्क वही ऑनलाइन होगा, अगर आप मतलब अनारक्षित और आर्थिक रूप से ही सभी के लिए है 100 रुपया, और मतलब ऑनलाइन प्रक्रिया कमज़ोर वर्ग के लिए शुल्क जो है 25 रुपया, ठीक है। चलिए अनारक्षित के लिए 11 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1, और महिला के लिए 4 पोस्ट हैं, ठीक। जो जो इम्पोर्टेंट होगा वही मैं बताऊंगा, बाकी ऐसा नहीं कि आपका टाइम खराब करूं, ठीक है। वैवाहिक स्थिति हो तो मैरिड या अनमैरिड आपको क्लिक करना है वहाँ पे, और न्यूनतम योग्यता वही बता दिया था मैंने, ठीक है। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नगर या ग्राम नियोजन से उपाधि या स्नातक डिप्लोमा, ठीक, क्लियर मैंने बता ही दिया था। ये मतलब वो है मान्यता प्राप्त बैचलर या मास्टर ऑफ प्लानिंग कोर्स, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। अगर ये सब चीज़ें नहीं है ये देख लेंगे, अगर नहीं होगा तो आप नहीं भर पाओगे, ठीक है। अब पेपर देंगे तो निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू है इसमें, और यदि उम्मीदवार कोई प्रश्न हल नहीं किया कोई दंड नहीं दिया जाएगा, और 35% निर्धारित मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग रखा गया, 35% कम अंक से नीचे आता है तो नहीं पास होंगे, और 40% अलग अलग वर्ग के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी आयोजित होगी या तो लखनऊ में होगी या इलाहाबाद प्रयागराज में होगा, और कोई भी चीज़ अगर आप गलत पाए जाए तो डिबर कर दिया जाएगा, आयोग्य की जिम्मेदारी का आपको हटा दें, ठीक है। गोले को सही से भरना पड़ेगा आपको, ठीक है, गोले को काले करके सही से भरना है आपको, ब्लू और नीला काला नहीं,
काला पेन ही आपको ले जाना अनिवार्य है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या, फ़ी डिपॉजिट होगी, सबमिट अप्लीकेशन, मॉडिफाई सबमिट अप्लीकेशन कैंडिडेट डैशबोर्ड में आपका प्रदर्शित हो जाएगा जैसे ही, और फिर आप क्या कर लोगे, व्यू अप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हो आप अपना। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं सभी क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगा।